एंड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, आज 2 महीने हो गए हैं ऑपरेशन कराए हुए, हम सिर्फ एक रेगुलर फॉलोअप के लिए आए हैं और बिल्कुल इनका परफेक्ट हिसाब जो घुटने का है वो चल रहा है। मेरे को ये दिक्कत 5-6 साल से चल रही थी, मेरी एक फ्रेंड थी उन्होंने करवाया था। मुझे यहाँ पे 4 दिन रखा गया है हॉस्पिटल में। फर्स्ट पहले दिन ऑपरेशन से पहले दिन मेरी सारे वो टेस्ट वेस्ट हुए थे, नेक्स्ट डे ऑपरेशन हो गया और 4 दिन मेरी छुट्टी हो गई। ऑपरेशन का तो मुझे पता भी नहीं चला, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता चला कि मेरा ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन के और वो तो मुझे हॉस्पिटल में उन्होंने चला दिया था, मुझे खड़ा कर दिया था और थर्ड ईयर उन्होंने मेरे को स्टेज चढ़ा दिया था, उतार भी दिया था। मतलब मुझे वैसे कोई परेशानी नहीं हुई और मैं घर जाके मैंने सब काम अपने आप किया है, मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ी। घर जाकर किसी की कोई मेरे साथ मतलब वॉशरूम वगैरह जा रहा है, नहाने में धोने में मुझे मैंने सब काम अपने आप किया है। हॉस्पिटल का स्टाफ भी बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव रहा, चाहे वो ग्राउंड स्टाफ हो, चाहे मतलब बाकी अटेंडेंट से लेके जो मेजर डॉक्टर साहब के असिस्टेंट्स वगैरह, डॉक्टर साहब स्पेशली, हर एक बंदे के साथ हमें टोटल कोऑपरेशन मिला। मतलब 99.99 का भी नहीं, 100% उनसे कोऑपरेशन मिला। छोटे छोटे सिली क्वेश्चंस होते हैं जो डॉक्टर से पूछने में हम झिझकते हैं कि चाहते हैं कि यार पूछे ना पूछे, बट डॉक्टर साहब ने फर्स्ट टाइम द वे ही ट्रीटेड अस, जिस तरीके से उन्होंने हमें बताया बोला, वो एक चीज़ ऐसी थी कि हम यहाँ से निकलते हमारे दिमाग में कि हमें कराना है तो यहाँ कराएंगे वरना शायद नहीं कराएंगे। वाले हैं जो प्रोसेस देखते हैं सारा, कैशलेस फैसिलिटीज वगैरह का, वो भी बहुत स्मूथली उन्होंने कराया बिना किसी हासिल्स के। तो मेरे को ऐसा लगता नहीं कोई चीज़ जबरदस्ती की कोई कमी निकाली जाए, इट वाज ऑल गुड। और बस शायद अगले महीने मेरे मामा जी भी खुद ऑपरेशन कराएंगे डॉक्टर साहब से। जरा सा भी घबराने की बात नहीं है, टोटली नॉर्मल प्रोसेस है और अच्छा एक्सपीरियंस है। इस हॉस्पिटल को मैं रिकमेंड करूँगा।